हेडिंग डालिए जी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी या आप कह सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, कि कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरीके से करी जाएगी। सबसे पहली बात, स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए, इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल या बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है जी? बेसिक प्रिंसिपल इज इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है जी? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। सिंपल सी बात है सर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। ये कहां लिखा है जी? ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 में लिखा हुआ है फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो हमें इसको तो फॉलो करना ही करना है। मतलब आपको कॉस्ट ऑफ द गुड्स निकालनी है और एनआरवी, एनआरवी मतलब एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू, उससे कंपेयर करना है। जो भी कम होगा वही उसकी वैल्यूएशन, उसी प्राइस पे उसकी वैल्यूएशन कर दी जाएगी। अब हमें कंसर्न क्या है सर? एनआरवी तो मिल जाएगी हमें मार्केट प्राइस को देखकर, लेकिन हमें कंसर्न है कि कॉस्ट कैसे मिलेगी। कॉस्ट की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो लिखिए जी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, इन्वेंटरी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए सर परचेज कॉस्ट एंड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द गुड्स। मतलब गुड्स पे लगने वाले डायरेक्ट खर्चे जो इजिली एलोकेबल हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कॉस्ट ऑफ द गुड्स में शामिल हो जाते हैं। तो यानी कि अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड इन्वेंट्री करूं तो मैं क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा कि जो मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है उसकी परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये गुड्स है किसके पास? ये गुड्स है कि इसके पास सर? जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो बचा हुआ है कंसाइनी के पास, लेकिन उसकी ओनरशिप किसके पास है? उसकी ओनरशिप है कंसाइनर के पास। तो वैल्यूएशन कौन करेगा? वैल्यूएशन करेगा कंसाइनर। कंसाइनर इन गुड्स को अपने स्टॉक का ही पार्ट मान के चलता है, भले ही वो कंसाइनी के पास है, फिजिकली कंसाइनर के पास नहीं पड़े, लेकिन स्टिल कंसाइनी इन गुड्स को अपने स्टॉक का ही पार्ट मान के चलेगा, अपने कॉस्ट, अपने क्लोजिंग स्टॉक में इसको ऐड करके चलेगा। वैल्यूएशन करने का तरीका, हम वैल्यूएशन इसके एक सेपरेट तरीके से करी जाती है। तो परचेज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, भी क्लोजिंग इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट कितनी थी? इसमें ऐड होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मैं लिखूंगा प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट या फिर नॉन रेकरिंग भी कह सकते हैं सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मतलब एक बार जो प्रोडक्ट के ऊपर होता है, और नॉन रेकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होते, एक ही बार होते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात आती है सर, ये प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? देखिए जी, कंसाइनर ने जब गुड्स को लोड किया, एक छोटी सी इमेज बना के समझते हैं। देखो ये है कंसाइनर, कंसाइनर ठीक है जी, ये उसके कुछ गुड्स हैं, ठीक है जी, ये उसके कुछ गुड्स हैं, और ये खड़ा कर देता हूं मैं यहां पर, दिस इज योर ट्रक, ये ट्रक है ठीक है। इस ट्रक में इन गुड्स को लोड किया जा रहा है, इस ट्रक में इन गुड्स को लोड किया जा रहा है, ठीक है जी, इस ट्रक में इन गुड्स को लोडिंग करवाई जा रही है। कौन लोडिंग करवा रहा है? कौन लोडिंग करवा रहा है? कंसाइनर करा रहा है। तो कंसाइनर लोडिंग का खर्चा पे कर सकता है, इन गुड्स की पैकेजिंग भी कराई होगी कंसाइनर ने, तो पैकेजिंग का खर्चा पे कर सकता है। इन गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस भी कराया होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस बोलते हैं जिसे, रास्ते का इंश्योरेंस बोलते हैं, तो वो इंश्योरेंस का भी खर्चा पे कर सकता है। इन गुड्स के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट भी पे कर सकते हैं। ये सारे के सारे खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे गुड्स से रिलेटेड है, तो ये क्या बन गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन गए, और ये नॉन रेकरिंग नेचर के, क्योंकि एक बार अगर सारे खर्चे हो गए तो बार बार थोड़ी ना होंगे, एक बार हो गए वो गुड्स यहां से चले गए, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप उसे कह सकते हो। कहने का मतलब क्या है सर? कंसाइनर के जितने भी खर्चे होते हैं, मोस्टली
मोस्टली क्या 99.9% कंसाइनर के खर्चे डायरेक्ट नेचर के ही होते हैं, क्योंकि कंसाइनर कोई भी इनडायरेक्ट खर्चे करता ही नहीं है, क्योंकि गुड्स का फिजिकल पोजेशन कंसाइनर के पास होता ही नहीं है, वो सारे के सारे गुड्स किसके पास चले जाते हैं, कंसाइनी के पास चले जाते हैं। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि सर ऑल द एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनर विल बी प्रोपोर्शनेटेड। प्रोपोर्शनेटेड का मतलब समझिए, अब देखिए कंसाइनर ने ये सारा खर्चा सारे गुड्स के ऊपर किया, लेकिन हमें तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन चाहिए, तो हम क्लोजिंग स्टॉक का प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे। मान लो उसने 10,000 रुपए का खर्चा 10,000 kg के लिए किया, तो 1,000 kg के लिए कितना होगा, तो आप प्रोपोर्शनेट करके 1,000 रुपए का खर्चा कैलकुलेट करके चल सकते हैं। ठीक है जी, ओके, एक काम करते हो, इसको थोड़ा सा इमेज को नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि अभी दोबारा इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब लिखिए आगे, अब इसमें क्या ऐड होगा, अब इसमें ऐड होगा प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट ऑब्लिक नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के भी कोई डायरेक्ट खर्चे हो सकते हैं सर, बिल्कुल कंसाइनी के भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। किस टाइप के कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, देखिए इसी इमेज में दोबारा आइए। अब देखिए ये गुड्स चलते चले, ये रास्ता है, ये रास्ते में गुड्स क्या करे जी, ये चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, फिर दोबारा यहां पर ट्रक पहुंचा, ये कंसाइनी का प्रमाइस आ गया, ये कंसाइनी का प्रमाइस आ गया, यहां पर ट्रक पहुंचा, अब कंसाइनी ये खड़ा, कंसाइनी अब इस कंसाइनी के गुड्स को क्या करा जी, वापस उतरवा लिया, ये वापसी उतरवा लिया, इसको बोलते हैं अनलोडिंग। अनलोडिंग का एक्सपेंस, अनलोडिंग का एक्सपेंस ये क्या है सी, गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, लेकिन वो इनकर किसने किया, कंसाइनी ने इनकर किया। ओके जी, गुड्स को, गुड्स के ऊपर अगर कोई ड्यूटी वगैरह पे करी जा रही है, कोई टैक्सेस वगैरह पे करे जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट नेचर किया, तो वो भी हो सकता है। गुड्स के ऊपर अगर कंसाइनी को कोई पैकेजिंग करनी पड़ रही है, तो वो भी डायरेक्ट नेचर का हो सकता है। लेकिन अगर कंसाइनी उस गुड्स को किसी गोडाउन में स्टोर करता है, तो गोडाउन का रेंट डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि वो रेकरिंग नेचर का है, वो बार बार होगा। गुड्स के ऊपर वेयरहाउस में अगर इंश्योरेंस कराया जा रहा है, तो वो भी डायरेक्ट नेचर का नहीं है, क्योंकि प्रीमियम बार बार पे किया जाएगा। सर कंसाइनर का तो डायरेक्ट नेचर का इंश्योरेंस एक्सपेंस था, क्योंकि वो वन टाइम प्रीमियम था, ट्रांजिट इंश्योरेंस का वन टाइम था। लेकिन अगर वेयरहाउसिंग में, अगर वेयरहाउस में कोई गुड्स का इंश्योरेंस कराया जा रहा है जो कि कंसाइनी करवा रहे हैं भाई आग वाग से बचाने के लिए, तो उसका प्रीमियम तो बार बार पे किया जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है जी, वो हमारा डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको कंसाइनर के तो मोस्टली डायरेक्ट होते हैं, तो वो सारे प्रोपोर्शनेट कर ले, लेकिन आपको ध्यान रखना है कंसाइनी के खर्चों के लिए कि कंसाइनी के खर्चे क्या होने चाहिए, आपके डायरेक्ट नेचर के ही होने चाहिए। तो इसके साथ से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू नहीं कह सकते आप, इसको कह सकते हैं दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इस कॉस्ट को आप एनआरवी से, इस कॉस्ट को आप एनआरवी से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लेस वो आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक बेसिकली कह सकते हैं। बताइए जी, समझ में आती है बात? हाँ जी, अब कुछ नोट लिखिए, नोट डायरेक्ट ऑब्लिक रेकरिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स, सर ये इंक्लूसिव लिस्ट है, इंक्लूड्स मतलब और भी हो सकता है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं क्या क्या आ सकता है इसमें, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस आ सकता है, इसमें लोडिंग का आ सकता है, इसमें कंसाइनी द्वारा अनलोडिंग का खर्चा आ सकता है, इसमें टैक्सेस एंड ड्यूटीज आ सकते हैं, टैक्सेस ऑब्लिक ड्यूटीज आ सकती हैं, इसमें ध्यान रखना ट्रांजिट इंश्योरेंस आ सकता है, ट्रांजिट इंश्योरेंस आ सकता है, वेयरहाउस का इंश्योरेंस नहीं, अदर इंश्योरेंस नहीं, सिर्फ रास्ते में जो कंसाइनर ने पे किया है, स्पेसिफिकली किसका है जी, कंसाइनर वाला, तो वो आ सकता है। और इसमें क्या आ सकता है, और आप इसमें डाल सकते हो कोई फ्रेट का एक्सपेंस है, वो आ सकता है। ये होते हैं हमारे डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस, डायरेक्ट और रेकरिंग एक्सपेंस। इनडायरेक्ट और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, अब इसकी तो सर लिस्ट बहुत बड़ी है, जो भी डायरेक्ट नहीं है वो सारे इनडायरेक्ट हो गया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हो इनडायरेक्ट और नॉन रेकरिंग में, इसमें आ सकता है आपका सेल्स का एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन का हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस हो गया,
एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हो गया, गोडाउन का रेंट हो गया, और इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस बाय कंसाइनी, इंश्योरेंस बाय कंसाइनी वो हो गया। सर पैकेजिंग का खर्चा कहां पर आएगा? पैकेजिंग का खर्चा डायरेक्ट होता है, पैकेजिंग का एक्सपेंस डायरेक्ट होता है। और भी आप देख सकते हैं, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे। तो एक तो हमारा ये नोट इंपॉर्टेंट है। एक और ध्यान रखना आपको, कंसाइनी विल इनकर एक्सपेंसेस ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय हिम, ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव बाय हिम। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो जी, ये वाला वैसे मैं टॉपिक अभी दोबारा आऊंगा जब मैं लॉसेस पे आऊंगा, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस है तब बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, कंसाइनी जो भी गुड्स कंसाइनी के पास रिसीव हो गए उन्हीं गुड्स के ऊपर खर्चा इनकर करेगा। मान के चलो यहां से 10,000 kg मटेरियल चला था, यहां से 10,000 kg मटेरियल चला था, और रास्ते में कुछ 200 kg मटेरियल क्या हो गया जी? लॉस्ट हो गया। लॉस्ट किस वजह से हो गया? लीक हो गया या इवेपोरेट हो गया, नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ भी हो सकता है। तो कंसाइनी ने कितना अनलोड कराया? 9,800 kg। तो कंसाइनी जो भी खर्चे इनकर करेगा वो सर 9,800 kg पे इनकर करेगा, 10,000 पे नहीं करेगा। सर ये कहां काम आएगा? ये आपका काम आएगा कंसाइनी के खर्चों को प्रोपोर्शनेट करने के लिए। मान लो अगर कंसाइनी ने 98,000 का खर्चा इनकर किया है टोटल, जो कि डायरेक्ट नेचर का है, तो आप डिवाइडेड बाय 9,800 करोगे, ना कि 10,000, ना कि 10,000। ठीक है जी, तो एक चीज आपको ये ध्यान में रख के चलनी है। लॉसेस पर अभी नहीं आ रहा कि एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे, नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे, लेकिन ये स्टॉक का ध्यान रखना है आपको कि कंसाइनी के पास जितने गुड्स पहुंचेंगे वो उन्हीं के ऊपर ही खर्चा इनकर करेगा। लॉजिकल सी बात है। आप मैंने आपको कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, मैंने आपको 1,000 कैलकुलेटर डिस्पैच करे, लेकिन आपके पास 950 कैलकुलेटर्स पहुंचे, 50 कैलकुलेटर कहां गए आपको थोड़ी ना पता है, क्योंकि लॉस तो मेरा है, मेरी नेग्लिजेंस हो सकती है या फिर नॉर्मल लॉस हो सकता है। मान लो नेग्लिजेंस की वजह से, तो मेरी नेग्लिजेंस है ना, आपकी तो नेग्लिजेंस नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मैंने जो खर्चा इनकर किया है वो तो 950 पे किया है ना, मैंने जो खर्चा इनकर, आपकी तरफ से कंसाइनी क्या कह रहा है कि कंसाइनी जो खर्चा इनकर किया है वो तो 950 पे किया है, तो प्रोपोर्शनेट 950 के हिसाब से होना चाहिए। और मैं क्या बोलूंगा कि मैंने जो खर्चा इनकर किया था मैंने तो पूरे 1,000 कैलकुलेटर पे किया था, तो मैं अपने खर्चे को प्रोपोर्शनेट करूंगा 1,000 कैलकुलेटर के हिसाब से। ठीक है जी, तो ये कुछ नोट आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है जी, अभी मैं इसमें लॉस ऐड नहीं कर रहा, वो अगले कंसेप्ट पे आएंगे। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखवाता हूं आपको। लिखिए जी एग्जाम्पल, लिखो मोहित कंसाइंड टू क्रिश 4,000 मशीन्स एट इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपीज 30,000, इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपीज 30,000 विच वॉज मेड एट कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट। मोहित स्पेंट 8,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड क्रिश स्पेंट 4,000 ऑन गोडाउन रेंट। क्रिश सोल्ड 2,400 मशीन्स फॉर रुपीज 48,000,
ही चार्ज्ड 20% कमीशन ऑन सेल्स प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मोहित इन द बुक्स ऑफ मोहित। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन है सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ मोहित। मोहित कौन है जी? मोहित है कंसाइनर इन द बुक्स ऑफ मोहित। तो कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है और कंसाइनी अकाउंट बनता है और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट नहीं, मैं नहीं बना रहा, कंसाइनमेंट और कंसाइनी का अकाउंट ही बना रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन समझिए ध्यान से। वो कह रहा है मोहित जो कि कंसाइनर है, कंसाइन टू द क्रिश, क्रिश इज कंसाइनी, उसने 4000 मशीन सेंड करी है एट द इनवॉइस प्राइस ऑफ 30,000। ये 4000 मशीन की वैल्यू है 30,000 रुपए की, विच इज मेड एट अ कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट। ठीक है जी, कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, इनवॉइस प्राइस दे रखा है जो कि कैसे निकला है? कॉस्ट प्लस 50%। सर ये 50% कहां काम आएगा? ये काम आएगा आपका लोडिंग अनलोडिंग निकालने के लिए। ठीक है जी, मोहित स्पेंट 8,000 ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, कंसाइनर ने 8,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इनकर किया। क्या ये डायरेक्ट है या नहीं? क्या ये नॉन रिकरिंग है या नहीं? आंसर इज दिस इज एब्सोल्युटली नॉन रिकरिंग। क्रिश स्पेंट 4,000 ऑन गोडाउन डेट। क्या ये डायरेक्ट है? आंसर इज ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। क्रिश सोल्ड 2,400 मशीन, 2,400 मशीन बिक गई फॉर 48,000 एंड ही चार्ज 20% कमीशन ऑन सेल, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मोहित। ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ मोहित बनाई जी कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। बताइए जी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना आएगा जी? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना आएगा जी? दे रखा था उसने, उसने 4,000 मशीन आईपी 30,000, 30,000 की क्या है आईपी, तो इनवॉइस पे डाल दिया। साथ साथ इसका लोड हटाओगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कैसे हटाओगे? अब मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। देखो 30,000 क्या था? 30,000 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था, प्रॉफिट 50% था, तो मैं कह सकता हूं 30,150 रुपए की वैल्यू है। 30,150 रुपए की वैल्यू है, तो आपको लोड हटाना है। लोड कितना है जी? 50 रुपए, तो 50 रुपए निकाल लो। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आई थिंक 10,000 आएगा। 30,000 10,000 का लोड था इसके ऊपर। ओके, फिर कंसाइनर के खर्चे टू बैंक, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कितना उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था? वो था आपका 8,000 का, 8,000 का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। कुछ कंसाइनी के भी खर्चे थे टू क्रिश, जो कि उसके एक्सपेंस थे। क्रिश के एक्सपेंस कितने थे? गोडाउन रेंट था हमारे पास 4,000 रुपये का गोडाउन रेंट। जी कंसाइनी ना लिख के ना इसके यहाँ पर हमेशा आपको नाम लिखना चाहिए। क्रेश अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद अगेन टू क्रेश कमीशन, क्रेश की कमीशन कितनी बनती है? कमीशन इज 20% ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी है बताइए जी? बाय क्रेश सेल्स कितनी है? वो कह रहा है सेल हुई थी 2,400 मशीन कितने रुपए की? 48,000 की। फ्लैट दे रखा है 48,000 और कमीशन क्या दे रखा था? 20% ऑफ सेल्स, दैट इज 20% ऑफ 48,000। तो 48,000 का 20% कितना हुआ? 9,600। ओके, उसके बाद बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना जी? ये आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी वर्किंग नोट में।
अच्छा क्रिश के अकाउंट में क्या क्या आएगा, क्रिश के अकाउंट में डाल दो टू कंसाइनमेंट जो कि सेल थी 48,000 बाय कंसाइनमेंट, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा रेंट, कितना रेंट पे किया था 4,000 रुपये, और कमीशन 9,600। ठीक है जी, बाकी सेटलमेंट कर देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप बैलेंस सीडी बैंक या बैलेंस सीडी रख दो या बाय बैंक रख के पेमेंट करके दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन पॉइंट क्या है सर, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में हमें वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करनी है, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। बताइए जी, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट ऑफ कितनी, अच्छा कंसाइनमेंट स्टॉक में कितनी मशीन्स हैं, 4,000 में से 2,400 मशीन तो बिक गई थी तो 1,600 मशीन्स हैं, तो सारा काम किसके हिसाब से होगा, 1,600 मशीन्स के हिसाब से किया जाएगा। परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन्स, बताइए जी सर, आईपी पे लूं या फिर कॉस्ट पर लूं। देखिए जी, एक प्रिंसिपल ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसे मैं लिखवा देता, चलो बाद में लिखूंगा मैं आपको, जब भी आपने गुड, जब भी कंसाइनर ने गुड्स इनवॉइस प्राइस पर सेंड करे होते हैं टू द कंसाइनी, तो हमेशा स्टॉक की वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे ही करनी होती है। जब भी इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड करे जाते हैं तो ऑलवेज वैल्यू द स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस और फिर आप स्टॉक रिजर्व हटाओ, ये आपको करना पड़ेगा। सर कॉस्ट से कर सकते हो लेकिन वो करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में, आईपी पे दिए हैं तो आईपी पे वैल्यू करो और स्टॉक रिजर्व अलग से एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। तो ये परचेज कॉस्ट बताइए कितनी थी, आईपी कितना था, आईपी था मेरे ख्याल से 30,000 रुपये और कितनी मशीन का था, 4,000 का। ठीक है जी, तो अगर 30,000 का आईपी, 30,000 का आईपी 4,000 का है तो 1,600 का कितना होगा बताइए, 30,000 का आईपी अगर 4,000 का है तो 1,600 का कितना होगा, ये होगा आपका 12,000, 12,000। इसमें ऐड करोगे क्या, ऐड करोगे आप प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर कौन था जी, मोहित था, मोहित ने कितने खर्चे इनकर करे थे, मोहित के डायरेक्ट खर्चे थे ये आपका 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का उसने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इनकर किया था। मुझे बताइए 8,000 का खर्चा कितनी मशीन पर इनकर किया था, उसने 4,000 रुपए किया था तो 1,600 रुपए कितना होगा, प्रोपोर्शनेट का मतलब यही हो गया, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 1,600 ये हो गया आपका 3,200, 3,200। अब मुझे बताइए क्या क्या कंसाइनी का कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, आंसर इज नो, कंसाइनी का गोडाउन रेंट था जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, दिस इज योर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। तो आप लिखेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक कितना जी, 15,000 कितना था, 15,200, 15,200। अब बात आती है सर, ये तो आईपी पे है तो हमें स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व हटा दो, स्टॉक रिजर्व हटा दो। ध्यान रखना, अगेन ध्यान रखना, क्या क्या सर, स्टॉक रिजर्व सिर्फ 12,000 में से हटेगा, स्टॉक रिजर्व सिर्फ इसी में ही इंक्लूडेड है, इसी में से ही हटेगा, स्टॉक रिजर्व सिर्फ 12,000 में से ही हटेगा। क्यों हटेगा सर 12,000 में से, भैया खर्चों में थोड़ी ना लोड है, एक्सपेंसेस में थोड़ी ना लोड है, सिर्फ कॉस्ट में ही तो लोड होता है, सिर्फ प्राइस में ही तो लोड होता है, तो लोड किस में है, लोड तो इस 30,000 रुपए में है, लोड तो किस में है, 30,000 में, तो ऑटोमेटिकली 12,000 में लोड इंक्लूड होकर आ गया, तो स्टॉक रिजर्व आपको 12,000 में से ही हटाना पड़ेगा। तो स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा, स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू ये जो 12,000 है ये 150 है, तो 50 कितना होगा बताइए जी,
12,000 अगर 150 है तो 50 कितना होगा, ये होगा आपका 4,000। तो 4,000 रुपये का स्टॉक रिजर्व है या कि अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो वो आप हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। बताइए, ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया। तो जो आपका स्टॉक रिजर्व होता है वो प्राइस में होता है, वो किस में होता है, गुड्स के प्राइस में होता है, एक्सपेंसेस में थोड़ी ना होता है। तो प्राइस में से ही आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप वर्किंग नोट रेफर करेंगे, ठीक है जी। और वैल्यूएशन आपको किस तरीके से करनी है, पहले परचेज कॉस्ट, फिर एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर जो कि प्रोपोर्शनेट करे जाएंगे, एंड उसके बाद ऐड होंगे प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी। इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं थे, इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, लिया ही नहीं। अब आप मुझे यहां पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके बताएंगे, तो क्या आता है, मेरे ख्याल से लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, देखते हैं। 40,000 प्लस 1,500 प्लस 10,000 माइनस 30,000 माइनस 8,000 माइनस 4,000 माइनस 9,600 माइनस 4,000, प्रॉफिट आ रहा है 17,600 का। और ये कहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसाइनर के नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में, टू पीएनएल अकाउंट 17,600, ठीक है जी। इसको क्लोज करते हैं। 48,000 कंसाइनी के पास आए, कंसाइनी ने अपने रेंट और कमीशन काट ली, तो 48,000 में से 4,000 का रेंट काटा उसने, 9,600 कमीशन काटी, तो 34,400 वो क्या हो जाएगा आपका, बाय, आप बैलेंस शीट भी लिख सकते हो और बाय बैंक भी लिख सकते हो। मैं लिखता हूं कि बाय बैंक मतलब उसने पेमेंट कर दी कितनी, 34,400 की। वैसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, कई बार क्वेश्चन में कहते हैं कि पेमेंट कर दिए, कुछ चीजें कहता है, कई बार क्वेश्चन कहता है कुछ पेमेंट कर दिया है, कई बार क्वेश्चन कहता है कि पेमेंट नहीं करी है, स्पेसिफिकली गिवन होता है, कई बार ये भी कहता है उसने बीआर दे दिया, तो बीआर की भी एंट्री डालोगे। अगर बीआर दे दिया तो बाय बीआर आ जाएगा, अगर उसने पेमेंट कर दिया तो बाय बैंक आ जाएगा या कैश आ जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं कह रहा तो आप कुछ भी कर सकते हो बैंक और क्लोजिंग बैलेंस से। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोला है कि पेमेंट ड्यू है अभी नहीं हुए, तो बाय बैलेंस ईडी आपको लिखना पड़ेगा। तो डिपेंड ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था, स्टॉक समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और इसमें आपको जो मैंने अभी नोट बताया था ना, वो नोट मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं दोबारा। इस नोट को ना आप यहां पर ही लिख लेना, वेन एवर गुड्स आर सेंट एट आईपी, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक विल बी डन एट आईपी एंड स्टॉक रिजर्व विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम परचेज कॉस्ट, ठीक है। थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लिया मैंने, तो थोड़ा एक बार ध्यान रखना, मैं पढ़ देता हूं लाइन, वो क्या कह रहा है, वेन एवर गुड्स आर सेंट एट आईपी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक विल बी डन एट आईपी, आईपी पे अगर भेजे तो स्टॉक की वैल्यूएशन आईपी पे ही करनी है, और स्टॉक रिजर्व आपको एलिमिनेट करना है फ्रॉम द परचेज कॉस्ट, क्योंकि परचेज कॉस्ट ही तो आईपी पे है, खर्चों में थोड़ी ना लोड होता है, खर्चों में प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट रहेंगे हमारे। क्लियर है जी, हाँ जी। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगला टॉपिक जो मैं लाऊंगा वो लाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और उसी के साथ साथ ही मैं इसी में ही उसी में इंक्लूड कर दूंगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो कि हमारा लास्ट कंसेप्ट रहेगा, फिर आप हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है जी, हाँ जी। चलो, तो फिर वो वाला जो टॉपिक है, हाँ जी, तो लॉसेस वाला टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू कर लेंगे। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, यहां तक आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। स्टॉक की वैल्यूएशन अच्छे से सीखिएगा, एंट्रीज को बड़े ध्यान से करिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो डू रिवाइज द कंसेप्ट थॉरली, ठीक है जी। चलिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।